इतना अच्छा परफेक्ट फिट बैठा है। अगर हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, आईफोन का जो ग्लास होता है ना उसको रिप्लेस करना बताऊंगा बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है। मैंने इसको हटा रखा, रिमूव कर रखा है, बाकी रिमूव करने की वीडियो बनाऊंगा तो मैं काफ़ी बड़ी बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक ओसीए सीट ले रखी है और इस तरीके से इसको कट कर लिया है हमने साइड में से। इस तरीके की ओसीए सीट आती है और जो इसका मतलब आप देख सकते हो, इस तरीके से अपने को कट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गैप छोड़ के आप इसको कट कर देना और बीच में जो ये आप देख रहे हो चार्जिंग का जो ये आप पता देख रहे हो, ठीक है, वायरलेस, इसको हमें कट कर लेना है बीच में से। इस तरीके से थोड़ा साइड में से भी अपने को गैप देना है। आईफोन 11, आईफोन XR, 13, 14, 14 प्रो, तो इस तरह के मॉडल्स में इस तरह के ग्लासेस आने लगे हैं आजकल। वैसे ये लेजर मशीन से हटते हैं लेकिन इसको धीरे धीरे क्रैक करके भी हम हटाते हैं हीट कर करके, और इस तरीके से हमें कट कर लेना आसानी से और इस तरीके ओसी सीट को आराम से लगा देना। और विदाउट रबड़ के हम इसको लगाएंगे और इतना ज़बरदस्त चिपकाएंगे कि ये टूटेगा भी नहीं, ठीक है। टूट जाता है क्योंकि ये लोकल ग्लासेस होते हैं, इनको बाद में हम जैसे गैप रह जाता है तो बीच में इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। एक्स्ट्रा को हमें इस तरीके से कट कर देना है और हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। इसकी बाकी कटिंग हमने कर ली, कैमरे वगैरह की आप भी कट कर लेना इस तरीके से, जो आप देख सकते हो ये। और ये लाइट के पास थोड़ा सा ओसी आप ऊपर से ब्लेड की सहायता से हटा सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रॉपर फिट होगा। और फिटिंग के बाद इसमें अब साइड में हमको बस हल्का हल्का सा थोड़ा सा ग्लू लगाना है, जिस तरीके से हम इसमें ग्लू लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्लू लगा देना, ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना, और बाकी जगह जो है अपनी ओसी सीट की कवरिंग हो जाएगी और इतना मतलब स्टक हो जाएगा ना कि एक जगह फिक्स हो जाएगा मतलब ओरिजिनल की तरह, ठीक है। और फिर इसमें मतलब दबाव से ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, बस बीच में हमने इसलिए छोड़ा है कि जिससे कि अपनी चार्जिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए और बाकी बाद में हम कभी भी इसको रिमूव करते हैं तो पत्ता अपना खींच के ना आए, इसलिए, ठीक है। कोई भी टेक्नीशियन इसको रिपेयर करेगा और इस तरीके से बस अपने को एक बार फिक्स कर देना है ग्लू लगा के, और ये वाटर प्रूफ भी हो जाएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम हो जाएगा अपना। तो हम किसी भी आईफोन का जिसमें बैक ग्लासेस आजकल नए मॉडल्स में आने लगे हैं, काफ़ी मॉडल्स में आते हैं, तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट फिट बैठा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।